अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ पे 12 बज रहा है दोपहर की, तो राशन रखा हुआ था कई दिन से आकर मदरसे में जाने के लिए, तो वही मौलाना आए हुए हैं अभी लेने, तो वही तौसीफ़ दे रहा है अभी राशन सब, कई दिन से रखा हुआ था। तो हर महीने जाता है मेरे यहाँ से मदरसे में राशन। यहाँ पे तौसीफ़ गया था दुकान पे, तो सब्जी उब्जी मंगा ली थी, सब ख़त्म हो गया था। तो ये लहसुन मंगाई थी, और इसके अब्बा थोड़ा सब्जी भी भेज दिए थे, लहसुन अदरक ये सब भी ख़त्म हो गया था। लहसुन था, बैंगन और फूल ये था, फुलावर था, और इसमें भिंडी थी, और अदरक था, ये अदरक दिखा रहे हैं आप सबको, ये अदरक था, ये भिंडी भी भेजे हैं, दो तीन ही सब्जी भेजा है। देखिए यहाँ पे गुड्डू भी आ गया है, ये मसाला भी ख़त्म हो गया था, तो मिर्ची पाउडर मंगाई हूँ, गरम मसाला पाउडर, मैं यही पाउडर गरम मसाला यूज़ करती हूँ, और हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर मंगाई हूँ, बस इतना ही था। यही चार ही मसाला ख़त्म हुआ था, बाकी खड़ा गरम मसाला सब ये था, ये हरी मिर्ची है, यही सब आज सब्जी आया है, और टमाटर, और इसमें है आलू, तो अभी प्याज व्याज था, सिर्फ इतना ही ख़त्म हुआ था, तो यही सब मंगा ली थी। और ये हरी धनिया की पत्ती, अभी तो ठीक ठाक मिल जा रहा है, गर्मी में बहुत महंगा हो जाती है, तो थोड़ी थोड़ी मिलती है, तो यही सब ख़त्म था, तो यही सब मंगा ली। और ये सब्जी निकाली हूँ ना थैली में से, अब गुड्डू बार बार आ रहा, अभी एक दो भिंडी दे दूँगी उसको, तो खा लेगा। चलिए फिर मिल इधर से साइड से चलेगा तो इधर इधर क्रॉस करना, इसे भी क्रॉस करनी पड़ेगा। हाँ आगे आना, इधर ही से जाने का है ना। पूरा दिखाया मेरे को भी लेने का। दो मिनट दुकाना कौन सा वाला? सब अलग अलग भाव क्या चाहिए था? कौन सा है? भाई
लगा दिया इसमें, देखो चेक कर लो, वाइट कलर का ही रहा सही है। इसका भी कवर चेंज कर देते ना, इसका भी कवर चेंज कर देते दिखाया में भी दिखा, नॉर्मल में भी उसमें अच्छा वाला लगाना, उसमें अच्छा वाला लगाना। अनार खाना है गुड्डू, अनार खाओगे? चल अनार खा लो। भाई ठीक हो गया गुड्डू का? भाई ठीक हुआ? चल मुँह में है, आज सुबह सुबह गुड्डू का पैर दरवाजे से दब गया था, सुबह से चल भी नहीं पा रहा था। मैं फिर तेल उल लगाई, सुकून तेल, तब जाके थोड़ा चलने लगा है। फिर खड़ा हुआ था तो उसे दरवाज़ा बंद किया ना, तो उसका पैर दरवाजे के बीच में आ गया। और यहाँ पे बना रही हूँ मैं चना, फ्राई कर रही हूँ चना है। सुबह नाश्ते में बनाई थी चना मसाला, तो चना ज़्यादा भीग गया था, तो उसमें मैं थोड़ा सा मैं उसी तरह निकाल दी थी, ज़्यादा हो गया था, तो मैं बोली अभी फ्राई कर देती हूँ खा लेंगे। शाम के 6 बज रहे हैं तो शाम के नाश्ते में भी हो जाएगा, वैसे ही सिंपल सा फ्राई करूँगी खाली। और यहाँ पे अनार छील के रखती हूँ टॉपिक के लिए। तो सुबह में बनाई थी नाश्ते में चना मसाला, और दोपहर में दाल चावल भिंडी की भाजी बनाई थी, और यही सब था। तो गुड्डू सुबह से उदास है एकदम, चोट जो उसको लगी है ना, तो एकदम उदास बना हुआ है, कुछ भी बोल उल भी नहीं रहा। तो अभी इसमें ना चना को मैं थोड़ा भिगा कर ली हूँ, उबाल ली हूँ, अभी इसमें डाल दी अभी इसमें डालूँगी थोड़ा सा नमक, और प्याज ऐसे ही कच्चा पक्का रहता है, पूरा पकाना लेकर लाल नहीं करना रहता प्याज को, मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँगी। इसको ढक के पानी जब फूटने तक पका लूँगी, उसके बाद तैयार है। और कुछ भी नहीं डालना है, इसका प्याज का मीठा मीठा टेस्ट मुंह में आता है ना, वो बहुत अच्छा लगता है। तो ये हो गया मेरा, अब इसको ढक के पका लूँगी अच्छे से। गुड्डो कुछ बोलना नहीं है? गुड्डो नहीं कुछ बोलना है, सुन रहा है बराबर? अच्छा चलो खा लो। देखिए इसी तरह ये बनता है, ये खाने में बहुत अच्छा लगता है। ये तौफीक खाएगा अनार, मेरा थोड़ी ना बोला खा लूँगा अनार, तौफीक खाएगा, ये हम लोग खाएंगे, क्योंकि तौफीक मसाले वाला खा नहीं सकता। तौफीक मेरा ना बहुत परहेजी कर किया है ये बार, लेकिन तो दोपहर में खाना उना खाने के बाद चली गई थी यहाँ मार्केट, क्योंकि वो मोबाइल सबका डिस्प्ले बनवाई थी ना, तो उस पर का वो टेम्पर ग्लास लगवाना था मेरे भी मोबाइल का,
तौसीफ के भी मोबाइल का दोनों का टूटा हुआ था, तो दोनों का मतलब बनवाई थी, तो मैं बोली लगवा लेती हूँ नहीं तो फिर गिर उड़ जाएगा, तो फिर टूटने का डिस्प्ले डर था, तो वही गई थी लगवाने मार्केट, क्योंकि 3:30 के करीब गई थी मैं, 4 यहाँपुरी मार्केट बंद हो जाती है, इसलिए खाना उना जब खा लिए थे सब, तो फिर तौसीफ को बोली मैं कि चल लगवा कर आ जाते हैं, तो दोनों मोबाइल का वो लगवाई और कवर लगवाई, एक और मोबाइल ली हूँ मैं तो उसका भी टेम्पर गिलास लगवाई, उसका भी कवर ली हूँ, क्योंकि एक मोबाइल था ना तो उसमें ना पढ़ाई में बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी, तौफीक को निकत को वो दोनों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी पढ़ाई में, इसके लिए एक दूसरा मोबाइल लेना पड़ा, तो अभी क्या है कि दिक्कत उतना नहीं होगी इन लोग को पढ़ाई में, पढ़ाई की वजह से खास करके ली हूँ, तो वहाँ से आई तो वही चना था सुबह का भिगाए नाश्ते में बनाई थी तो भीग गया था ज़्यादा, तो वही बच गया था तो उसी को फ्राई करके शाम के नाश्ते में देती है, अभी चाय में सब हो गया, तो अभी सोची मैं कि वीडियो एंड कर देती हूँ, नहीं तो फिर अगर छोड़ दूँगी तो फिर रह ही जाएगा, तो वही मैं लिया एंड कर देती हूँ वीडियो की, और अभी शाम का टाइम है, अभी देखती हूँ क्या खाना वाना बनाऊँगी, वही यही सब है, अब वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और जो न्यू है मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए कि जो भी वीडियो मैं डालूँ उसकी नोटिफिकेशन फौरन आपको मिल जाए, अभी तो थोड़ी है तबीयत ठीक, तो कोशिश कर रही हूँ कि बनाऊँ रोज़ वीडियो, यही सब बात है, तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे एक अच्छी सी वीडियो लेकर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, चलिए फिर मिलती हूँ।